हाँ तो दोस्तों देखिए, एक और क्वेश्चन लेकर आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ़ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू एन, देन सो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, हमको प्रूफ करना है, तो बहुत ही ईजी है, बस हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना क्या दिया हुआ है। ठीक है, गिवन गिवन क्या दिया हुआ है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम, वन मान लेते हैं इसको, ए साइन थीटा, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू एन है। ठीक है, ये टू हो गया, हमको क्या दिखाना है पहले, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, नहीं, क्या करते हैं, पहले वन को स्क्वायरिंग करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग वन एंड टू, पहले वन और टू को स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल टू, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर सेकेंड में क्या है, एन स्क्वायर हो जाएगा और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या हो गया, इक्वेशन 4, और ये क्या हो गया था हमारा, इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम लोग का एम स्क्वायर भी निकल गया, एन स्क्वायर भी निकल दिया, अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऑन एडिंग ऑन एडिंग 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा हमारा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो एम स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, ए ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए, ये और ये हमारा कट गया, कट गया कि नहीं कटा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से ए और इससे ए कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे और इससे क्या लेंगे कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या था, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया, हमें यही दिखाना था। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिखाना था, और हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो बस सिंपल था, क्या करना है आपको, दोनों को स्क्वायरिंग कर लेना है। ठीक है, अलग अलग से, अलग अलग से स्क्वायरिंग कर लेने के बाद उसको ऐड कर देना, बस ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, तो ठीक है, अगर पसंद आया तो अच्छा बात है, नहीं पसंद आया तब
क्या कर सकते हैं।